आज हम करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 3 BMI कैलकुलेटर जी। इसके अंदर हम क्या टास्क परफॉर्म करेंगे ये पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। पाइथन प्रोजेक्ट्स को ओपन करें। यहाँ पे एक नई फाइल ऐड कर लें, न्यू पाइथन फाइल, इसका नाम लिख लें जनाब BMI कैलकुलेटर। ये हमारे पास एक ब्लैंक फाइल आ गई। मैं अब इसको जो है इसके अंदर आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कि जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं इंटरव्यू और हाइट इन मीटर, तो 3.5, वेट 70 kg, योर BMI 6, योर अंडर वेट, ठीक है जी। तो ये इसने कैलकुलेट करके हमें बता दिया। तो हाइट जो है वो उसके नस्बत वेट जो है वो कम है, 3.5 हाइट में हो तो उससे वेट आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने जो है वो फार्मूला और ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करनी है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जी। सबसे पहले जो है वो हमें यूज़र से लेनी है हाइट, इंटर योर हाइट इन मीटर, ठीक है, इन मीटर्स यहाँ ये लिख देते हैं ताकि ज़रा क्लियर हो जाए। और इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि वैल्यू जो है वो अगर इशारिया के अंदर भी आए तो वो सेव हो सके, रियल वैल्यूज को सेव करवाया जा सके। इसके बाद वेट को यूजर से इनपुट करवाते हैं जी, एंटर योर वेट इन kg, ये सही है, ठीक है। यहाँ हम मीटर्स कर देते हैं, यहाँ kg कर देते हैं, दैट्स इट। ओके जी, हमारे पास हाइट भी आ चुकी है और वेट भी आ चुका है। अब हमें इसमें फार्मूला इम्प्लीमेंट करना ताकि हम इसका BMI जो है वो कैलकुलेट कर सकें जी। यहाँ पे हमने क्या कर दिया जनाब, BMI कैलकुलेट कर रहे हैं राउंड फंक्शन के, तो राउंड फंक्शन इसलिए लगा रहे हैं। अगर राउंड फंक्शन नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, राउंड कर रहे हैं कि हम इसमें इशारे के बाद इसको ज़रा राउंड करके, लाइक अगर 12.3 है तो 12.6 है तो 13 आ जाए, राउंड कर दिया जाए उसको, ठीक है ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वैल्यू है 5.7 तो ये वैल्यू राउंड करके बनेगी 6, ठीक है, तो राउंड ऑफ करके जो है इसको डिस्प्ले करवा लो। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है हाइट, अगर हम इसको ये साइन ख़त्म कर दें तो ये कुछ इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको निकाल दें और यहाँ पे इसको डबल स्टार कर दें तो इसका मतलब भी क्या होता है कि ये डबल मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर फिर इसका डिवीजन होगी वेट के साथ, ठीक हो गया जी। तो BMI हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाना है कैलकुलेटेड BMI की मुनासबत के साथ। सबसे पहले हम कहते हैं कि जी अगर BMI जो है वो लेस देन है 18.5 से, तो हम उसे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि योर BMI इज एफ स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल हमने साथ में मेंशन कर दिए, यू आर अंडर वेट, ठीक है। अगर 18.5 से कम है कैलकुलेट करने के बाद तो उसे हम कहेंगे यू आर अंडर वेट। इसी तरह जो है वो हम दूसरी कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे, लाइक एलिफ, क्योंकि पाइथन में जो है वो इफ़ और साथ में एलिफ यूज़ होता है, एल्स इफ यूज़ नहीं होता। जो बाद में एंड पे आपके पास ऑप्शन बचता है वो होता है एल्स, और उसके बाद भी आपने कॉलन लगाना होता है। ये इसका सिंटैक्स भी आपको पता लग गया, लेस देन साइन, ग्रेटर देन लगाना हो, लेस देन लगाना हो, नॉट इक्वल टू लगाना हो, कोई भी आपने ऑपरेटर लगाना, इक्वल टू लगाना तो सिंगल इक्वल आएगा, ठीक है, और कॉलन लगाना कंपलसरी है, यहाँ पे कंडीशन के बाद कॉलन लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास योर BMI इज यू आर अंडर वेट, योर BMI इज यू हैव नॉर्मल वेट, अगर 25 से लेस देन है, 30 से लेस देन है तो स्लाइटली ओवर वेट, 35 से लेस देन है तो ऑब्वियसली, और योर BMI इज यू आर क्लिनिकली ऑब्वियस, यानी आपको अपने आप को चेक करवाना चाहिए आपका BMI बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास BMI कैलकुलेटर इंप्लीमेंट हो गया, इसको रन करें। एंटर योर हाइट इन 2.7, वेट है जी मेरा 70 और योर BMI 10, यू आर अंडर वेट, ठीक है, 18 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये BMI कैलकुलेटर हमारा इंप्लीमेंट है। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है जनाबे वाला लव कैलकुलेटर, ये हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।